हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कोई भी एक डिजाइन में, खास करके सलवार सूट का डिजाइन में। आप अगर कोई भी एक नेकलाइन क्रिएट करना चाहे, एंड बहुत सारा जो दोस्त है, जो हमारा यूट्यूब सब्सक्राइबर दोस्त है, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का जो मेंबर है, उन्होंने बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आया हुआ था कि एक सलवार सूट का नेकलाइन कैसे बनाया जाता है, तो नेकलाइन के बारे में थोड़ा सा उनको जानना था। एंड यूट्यूब में भी काफी कमेंट आया हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा एक नेकलाइन बनाना थोड़ा सा टफ मैटर तो है ही। कोई भी सलवार सूट डिजाइन में, खास करके एक राउंड नेक बनाना हो या तो एक हार्ट शेप का नेक बनाना हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट करते, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ जिसमें आपको डेप्थ में जाकर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कैसे आप इस सिंपल कोई भी नेकलाइन को बना सकते हो, उसमें क्या टेक्निक है, क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाए ताकि आप एक ब्यूटीफुल नेकलाइन आप क्रिएट कर पाए कोई भी डिजाइन के लिए। एंड उसमें एक छोटा सा एक फोटोशॉप का ट्रिक है, वो आप अगर समझ जाएंगे तो इजिली कोई भी डिजाइन का नेकलाइन क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर बॉर्डर को लेकर आप उसमें राउंडेड शेप दे सकते हैं, हार्ड शेप दे सकते हैं, उसमें आप यू शेप दे सकते हैं, कोई भी टाइप का शेप आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने विषय में चलते हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पूरा इस नेकलाइन का जो मेन टॉपिक है, कैसा डिजाइन में नेकलाइन बना सकते हो, आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं। तो अभी मैं अपने पीछे में आपको दिख रहा होगा, मैंने सलवार सूट का नेकलाइन का एक फोल्डर मैंने जस्ट यहाँ पे डाउनलोड कुछ रखा हुआ है आपको जस्ट दिखाने के लिए, नेकलाइन का क्या क्या टाइप का होते हैं, किस टाइप का डिजाइन होते हैं। जस्ट आप अगर इंटरनेट पर सर्च आउट करो, इस टाइप का बहुत सारा इमेजेस मिल जाएगा आपको। जस्ट अगर आप बिगनर है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, दैट्स व्हाई मैं इसको डाउनलोड करके रखा हुआ। एंड अगर आप ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है काफी साल से, तो आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा कि नेकलाइन में क्या क्या टाइप का मोटिफ यूज किया जाता है, किस किस टाइप का बॉर्डर यूज किया जाता है। एंड नेकलाइन में कई बार हम इस टाइप का यू शेप का या तो हार्ट शेप का पूरा हम नेकलाइन पूरा बॉर्डर सेट करके देन हम पूरा एक नेक का डिजाइन बनाते हैं। तो जो सलवार सूट के लिए बेसिकली, सलवार सूट और कुर्ती के लिए या तो गाउन के लिए भी कई बार डिजाइन बनाए जाते हैं। इस टाइप का जो सलवार सूट डिजाइन देखिए, इसमें भी बहुत ब्यूटीफुली एक हाफ सर्कल का नेकलाइन दिया गया। सेम तरीके से हम इस टाइप में देखिए, पूरा इसमें यू शेप का पूरा नेकलाइन दिया गया। तो आपको इसमें जो नेकलाइन का जो शेप है, वो शेप क्रिएट करने में कई बार प्रॉब्लम होती है। जब मैंने बिगिनर लेवल में शुरुआत करी उस टाइम मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। देन धीरे धीरे मैं जब डेप्थ में फोटोशॉप को सीखा, जब डेप्थ में डिजाइनिंग फील्ड में और अंदर का चीज सीखा, तो मैं आइडिया लगा कि इसमें इस टाइप से कर सकते हैं। तो मैंने मेरा पर्सनल जो मेथड है वो मैं फॉलो करता हूँ, वही टेक्निक आपको दिखाना जा रहा हूँ कि जैसे आप इस टाइप का कोई भी नेकलाइन आप क्रिएट कर सकते, जैसे इस टाइप का कोई भी नेकलाइन, इस टाइप का वी शेप देकर, यहाँ पे आपको यू शेप देकर पूरा नेकलाइन बनाना हो, या तो कोई भी बेसिकली कोई भी आपको राउंड टाइप का कोई एक नेकलाइन आपको अगर क्रिएट करना हो कोई भी डिजाइन के लिए, तो आपको एक पर्टिकुलर बॉर्डर को लेकर उसको हमें राउंड करना पड़ता है। जैसे लेट्स सपोज हमने एक यहाँ पे सूट का डिजाइन रखा है, वहां पे एक बॉर्डर का हमने एक गोल्डन टाइप का जो बॉरोक आर्ट वर्क का बॉर्डर होते हैं, बॉरोक आर्ट वर्क का जो गोल्डन वर्क होते हैं, उसी टाइप का डाउनलोड हमने किया था। तो ये हम इसको यूज करने का कोशिश कर, उसके ऊपर से हम एक बार नेकलाइन बनाने की कोशिश करें। एक्चुअल में पूरा एक सलवार सूट का बैक पोर्शन का पूरा डिजाइन है, बट इसमें अगर नेकलाइन बनाएंगे तो उसका लुक बहुत अच्छा लग सकता है, दैट्स व्हाई मैंने मोटिफ डिजाइन लिया बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड में हम अगर एक नेकलाइन बनाना चाहते हैं, पहले तो आपको जानना जरूरी है कि नेकलाइन में बहुत सारा अलग अलग टाइप का नेकलाइन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेकलाइन आप अगर करना चाहे तो आपको इस तरीके से पूरा राउंडेड नेकलाइन आते हैं। पहले मैं इसका मेजरमेंट सेट कर लेता हूँ, कंट्रोल टी, देन यहाँ पे एक ग्रिड लाइन ले लेते हैं सेंटर पॉइंट में। सेंटर पॉइंट में ऑलवेज आपको ग्रिड लाइन लेना जरूरी होता है। देन आप अगर इस तरीके से सिंपली एक राउंडेड नेकलाइन क्रिएट करना चाहे, जैसे इस टाइप का जो हाफ सर्कल टाइप का होते हैं, या तो इस टाइप का नेकलाइन बनाए जाते हैं, वो आपका पूरा क्रिएट किया जा सकते हैं। इस टाइप का पूरा नेकलाइन बनाया जाते हैं जो कि एक ट्रेडिशनल लुक जैसे इस टाइप का नेकलाइन बनाया जा सकते हैं। एंड कुछ नेकलाइन ऐसा होते हैं कि उसमें शेप नेक का थोड़ा सा अलग होता है, जैसे सपोज हमें थोड़ा सा फैंसी लुक देना हो तो इस टाइप का एक शेप क्रिएट किया जाता है। ठीक है, या तो कुछ नेकलाइन ऐसा होता है कि हमें इस टाइप का शेप भी दिया जाता है। सो टोटली अलग अलग टाइप का नेकलाइन का शेप होता है, वो शेप में इस बॉर्डर को कैसे सेट करेंगे, वही हमारे लिए चैलेंजेबल हो जाते हैं। तो वही टेक्निक का आज मैं दिखाऊंगा कैसे आप इस टाइप का बॉर्डर को इस शेप में आप शेप में पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि उस बॉर्डर का पिक्सल भी मेंटेन रहे, एंड उस बॉर्डर में जो क्वालिटी है उसका जो रेजोल्यूशन है वो भी मेंटेन रहे, एंड एक पूरा शेप भी क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो वही टेक्निक आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी सिंपली हमें एक बार बॉर्डर का एक शेप ले लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमें सिंपल एक सबसे सिंपल इस टाइप का जो बॉर्डर ज्यादातर हमारा यूज होता है नेकलाइन के लिए, इस टाइप का बॉर्डर जो कि जिसमें हमेशा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इस टाइप का नेकलाइन एक ले लेते हैं। एंड उसी को मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक फिल कर लेता हूँ, F2 दबा के स्ट्रोक फिल कर लिया मैंने, एंड F2 मेरा शॉर्टकट किया हुआ। जस्ट आपको राइट क्लिक करके अगर स्ट्रोक फिल करने जाएंगे तो वहां पे एक एक्शन मेरा बना हुआ है, जबकि एक्शन बनाकर आप इजिली उसको कर सकते हैं, स्ट्रोक फिल या तो फिल पाथ या तो स्ट्रोक पाथ इजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप अगर आपको एक्शन के बारे में जानना हो तो आप डिटेल में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, आपको एक्शन के बारे में और भी डिटेल में जानना है, सीखना है, बिकॉज एक्शन का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है गाइस। सो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक पूरा नेकलाइन पूरा यहाँ पे क्रिएट किया सेम तरीके से, इसको हमने कॉपी कर लेते हैं
एंड देन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर दे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल नेकलाइन बनाने का कोशिश करेंगे, उसमें बॉर्डर को यहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे। एंड नेकलाइन सिर्फ यही नहीं, मैं आपको जैसे बता रहा था बहुत सारा अलग अलग टाइप का नेकलाइन होते हैं, एंड जैसे हम अगर इस टाइप का सिंपली नेकलाइन बनाना चाहे तो वो भी नेकलाइन हो जा सकती है। जैसे टाइप का राउंडेड नेकलाइन बना ली, यू शेप का जिसको बोला जाता है, यू शेप का नेकलाइन, वो भी कई बार बहुत फेमस होते हैं, बहुत यूजेबल भी होता है। लेट्स सपोज इसको मैं बंद करता हूँ, ओके, एंड देन ये वाला जो शेप है उसके अकॉर्डिंग मैं एक शेप भी क्रिएट कर लेता हूँ, F2 एंड कंट्रोल जे अल्ट्रा ई, ठीक है। एंड इस टाइप का भी पूरा एक नेकलाइन बनाया जाता है। तो इस टाइप का नेकलाइन बनाने के लिए एक तो क्या होता है, पूरा इस कॉर्नर को राउंड करना पड़ता है, और वो राउंड करना हमारे लिए चैलेंजेबल होता है। तो वही टेक्निक आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आज कोई भी डिजाइन या तो कोई भी बॉर्डर को आप ऐसे कैसे राउंडेड शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट एक बहुत सिंपल स्टेप आपको जानना होगा जो कि फोटोशॉप का इनबिल्ट आता है, उसी को आपको थोड़ा सा यूज अच्छे से करना पड़ेगा, आप इजिली वो चीज कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहां से जो भी बॉर्डर यहाँ पे पोर्शन है, सिंपल एक बॉर्डर का कुछ पोर्शन छोटा सा मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो उसको रोटेट करना। जैसे हमने ये वाला पोर्शन को कट कर लिया, ठीक है, पर्टिकुलर ये वाला पोर्शन को कट करके कंट्रोल जे दबा लिया, इसको कॉपी हो गया। एंड ये वाला पोर्शन को मैं यहाँ पे इसको राउंडेड में घुमाना चाहता हूँ, चाहे इसमें घुमाना हो चाहे इसमें घुमाना हो, कोई भी टेक्निक में हम घुमा सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी कोई भी एक मोटिव को घुमाना हो तो पहले जितना आपका एज है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो जिसका लेंथ है वो लेंथ की ज्यादा बड़ा बॉर्डर होना चाहिए। जैसे इसे हम रिपीट मार लेते एक बार, इसको रिपीट मार के इसको हम एक बार रिपीट क्रिएट कर लेते, दैट्स परफेक्ट। सो एक बार रिपीट जब हो जाए, देखिए यहाँ से इसका जो लेंथ है वो काफी बड़ा है, देन हमारा ये कंप्लीट है। अब हम इसके खोलते कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, पहले हमें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके ही देन हमें बाकी का काम करना पड़ेगा, बिकॉज वो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का उद्देश्य नॉन डिस्ट्रैक्टिव होता है, ताकि हम इसमें कभी भी उसको चेंज कर पाए, कोई भी प्रॉब्लम उसको हम बाद में भी सॉर्ट आउट कर पाए, ठीक है। पहले हमने इसको यहाँ पे रख दिया, एंड देन अभी क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाना है, एंड सॉरी यहाँ पे पहले इसको 90 डिग्री में घुमा के हम थोड़ा सा इसके एंगल में कर लेते, पहले तो हमें इसका एंगल में करना पड़ेगा, देन हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पॉपेट वॉक करके, उस ऑप्शन को प्ले करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे क्लिक करते देन यहाँ पे क्लिक करके एक देखिए इसका और इसका जो एंगल है वो पहले हमें सेट करना पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो हमें पहले सेट करना पड़ता है, देन हम इसको एंटर दबा लेते हैं ताकि हमारा बॉर्डर प्लेसमेंट हो जाए। एंड जब आप उसको एंगल वाइज करेंगे तो आपका जो पिक्सल साइज है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरा एंगल वाइज करें, ताकि उसमें थोड़ा सा शार्पनेस भी मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा एंगल खराब हो जाए। जैसे लेट्स सपोज हमने इसको अगर एंगल वाइज किया तो देखिए बहुत ज्यादा उल्टा एंगल नहीं है इसका, 45 या तो 60 डिग्री या तो 45-60 डिग्री का एंगल में ये जा रहा है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम पूरा एंगल को 60 डिग्री में या तो 90 डिग्री में ही कन्वर्ट करेंगे, तो उसका क्या होता है जो पिक्सल होता है वो ज्यादा टूटता नहीं है। अगर अदरवाइज हम 35 या तो 75 इस तरीके से कोई एंगल में आप अगर इसको मूव करने जाएंगे तो पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा टूट जाता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप एंगल में इसको घुमाना है तो आपको सिर्फ दबा के घुमाएंगे तो आपको यहाँ पे एंगल का रेशियो भी दिख रहा है, ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा 45 डिग्री या तो 60 डिग्री या तो 70 डिग्री या तो 90 डिग्री, तो वो आपके लिए इजी पड़ता है। अदरवाइज आप अगर रैंडमली कोई भी एंगल लेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री हमने एंगल ले लिया, अब हमारा नेक्स्ट काम रहेगा एडिट में जाएंगे, पॉपेट वॉक का ऑप्शन आता है, जस्ट इसमें क्लिक करेंगे तो बहुत इजीली आपका पूरा एक नेक का डिजाइन में देखिए बहुत इजीली ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे, एंड देन बाकी इसके ऊपर जो बॉर्डर का पोर्शन है उसको हमने क्लिक कर लिया। अब हमारा क्या काम रहेगा, जस्ट हम इसको पहले हम तो जो कंफ्यूजन बना है उसके ऊपर बंद कर लेते, एक्चुअली हम इसके अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, एक बार बंद कर लेता बिकॉज नहीं तो आपको शायद कंफ्यूजन होगा, बाद में वो सेटिंग कर लेंगे। पहले हम इसको अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, तो हम इसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे पॉपेट वॉक में, फिर से हमारा वो पॉइंट आ गया जहां पे हमने पॉइंट लिया था, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसको मूव करना रहेगा। जैसे इस तरीके से आपको मूव करना है, जैसे आप इसको मूव करेंगे ऑटोमेटिकली देखिए बहुत ब्यूटीफुली बेंड हो रहा है, एंड बेंड होने के टाइम उसका पिक्सल साइज बहुत ज्यादा टूट नहीं रहा है। जैसे नॉर्मली आप अगर पिक्सल को रोटेट करने जाएंगे या तो वर्क करने जाएंगे तो वो पिक्सल साइज टूट जाता है, तो आपका नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको भी बेंड कर लिए, एंड जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वाला जो बॉर्डर का पोर्शन, ये आपका बॉर्डर का सेंटर पोर्शन में होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी हमने पूरा इस तरीके से घुमा लेते हैं, परफेक्ट, एंड इसको भी हमने यहाँ पे रख देते हैं इसका सेंटर पॉइंट में, ओके, एंड देन हम इसको ये वाला जो पोर्शन है इसको हम यहाँ पे घुमा लेते हैं, ओके, एंड देन ये वाला जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। बहुत सिंपल एंड बहुत ब्यूटीफुल आपका पूरा एक डिजाइन एक अच्छा शेप में कन्वर्ट हो रहा है।
एंड उसमें बहुत ज्यादा पिक्सेलेट नहीं हो रहा, उसको मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा कैसे उसमें किया जा रहा है, क्या आपका रिजल्ट फाइनल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा एज शार्प हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक हमें डॉट क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन उसके ऊपर हम थोड़ा सा और हम एडिट कर लें, इसके अंदर हम ले लेंगे ताकि इसका जो रिदम है वो मेंटेन रहे, कहीं पे ज्यादा एकदम घुसा हुआ ना दिखे, कहीं पे ज्यादा एकदम बाहर निकला हुआ भी ना दिखे। ओके, एंड देन इसको भी हम थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं। देखिए अब पूरा जो मोटिव है उसका जो रिदम है वो एकदम इसके जैसा ही बन गया है। अब इसको एक बार एंटर मार के हम देखेंगे, देखिए बहुत ब्यूटीफुल बहुत सिंपल एक लुक आएगा, जिसके द्वारा इस टेक्निक को इस प्रोसेस को फॉलो करके सिंपली कोई भी मोटिव में आप एक ब्रांडेड लुक आप दे सकते हैं। एंटर दबाएंगे एंड देखिए इसको मैं अगर बंद करूंगा, देखिए पूरा इसमें जो शेप है वो प्रॉपरली एकदम इसके अंदर सेट हो गया, इसका जो क्वालिटी है वो काफी मेंटेन रहा है, उसमें ज्यादा पिक्सेलेट भी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इसका जो रिजोल्यूशन है वो भी खराब नहीं हुआ, बिकॉज ये प्रोसेस में पिक्सेलेट बहुत कम होता है, उसमें जो होना चाहिए उतना ही अकॉर्डिंग होता है। अब इसमें देखिए छोटे छोटे जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बेंड लग रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे पॉपेट वर्क में जाएंगे डबल क्लिक करेंगे तो आपका फिर से ओपन होके आ जाएगा, यही फायदा है पॉपेट वर्क का, अगर आप कभी भी उसको ओपन करना चाहे तो इजिली उसको ओपन कर सकते हैं। इसमें आप अगर दो पॉइंट इधर उधर ले लिया, यहाँ पर अगर माइनस कर दे इस पॉइंट का जो बेंडिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ठीक है, एंड देन इसी तरीके से थोड़ा सा एडिट एडिट करके आपको पर्टिकुलरली जो बेंडिंग पॉइंट है, जो पॉइंट एक्स्ट्रा थोड़ा सा बेंड लग रहा है, उस पॉइंट को थोड़ा सा आपको इजी कर लेना है, इसको माइनस कर लेते, जो जो पॉइंट आपको लग रहा है कि ये पॉइंट बेंड हो गया ज्यादा, वो पॉइंट इस तरीके से आप इजी कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई मैंडेटरी नहीं है। आप कई बार ऐसा होता है कि एक ही शेप में पूरा आपका एक अच्छा स्ट्रोक क्रिएट हो जाता है, पूरा अच्छा एक लाइन क्रिएट हो जाता है, एंड एक बार आपका पूरा एक क्रिएट हो जाता है बहुत इजी है, जस्ट आपको इसको सिंपली इसके अकॉर्डिंग कट कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे इसको लिया, ओके, एंड देन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया, कंट्रोल जे अल्टर आई ए जी एच, एंड देन आप इसका पूरा एक सिंपल बॉर्डर का लुक हो गया। तो यही टेक्निक से, यही टेक्निक को फॉलो करके कोई भी डिजाइन को आप बेंड या तो इस तरीके से जिस एंगल में आप घुमाना चाहते हैं, जिस टाइप का रोटेट करना चाहते हैं, आप उसमें रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक मैं सॉलिड एग्जांपल आपको देता हूं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें सिंपल इस तरीके का बॉर्डर का उतना अच्छा लुक नहीं आता, थोड़ा सा हम दो तीन बॉर्डर को लेना पड़ता है, या तो बॉर्डर में हम यहाँ पे छोटा छोटा थोड़ा छोटा कुछ निकला हुआ रहेगा तो और अच्छा लगता है, तो इसलिए ये वाला पर्टिकुलर बॉर्डर को लिया था ताकि इसमें से पर्टिकुलर मोटिव को मैं कट करके इजिली यूज कर पाऊं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमें यहाँ पे इसको कट कर लेता हूं, मैंने पाथ ड्रॉ करके पेंटिंग में जाएंगे, यहाँ पे पाथ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, मैंने जहां जहां पे इसका एज है उसके अकॉर्डिंग एक बार इस एज को, ठीक है, इस एज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, देन इसका पूरा कट कर लेंगे ताकि हम इसमें से एक नेक का नेक लाइन क्रिएट कर पाए, सूट के लिए नेक लाइन हम क्रिएट कर पाए इजिली। सो एक छोटा सा हमने पोर्शन कट कर लिया, कट करने के बाद कंट्रोल एंटर दबाएंगे एंड देन ये वाला पर्टिकुलर बॉर्डर में जाके इसको हम कंट्रोल जे दबा के कॉपी कर लें, देन ये वाला जो मेन बॉर्डर है उसको हम बंद कर लेते एक बार, एंड इस टाइप का कुछ एक बार बॉर्डर का शेप हमारे यहाँ पे आ जाता है, देन इसको कंट्रोल एच, देन इसको हम पूरा फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके इसका हम एक सिंपल बॉर्डर का लुक हम देना चाहते हैं। एंड इस टाइम आपको देखना जरूरी होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम पेंटिंग से कट करते हैं तो उसमें दोनों एज अच्छे से कट नहीं होता, उस टाइम हमें अच्छे से देख लेना पड़ता है, बिकॉज ये जो छोटा सा अगर साइज हो जाएगा आपका बॉर्डर का तो वो आपका बॉर्डर थोड़ा सा पिक्सलेट हो जाता है, उस टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान देके पूरा डिजाइन को बनाना पड़ता है। जैसे कि ये वाला पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा हो गया, इसको भी एक बार कट कर लेते एंड बाकी का पोर्शन एक बार रिपीट सेट कर लेते, जैसे इसका रिपीट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पूरा इसका रिपीट एक बार बना लेते, जैसे हम यहाँ पे गले बनाए थे, हमने पूरा नेकलाइन का पूरा क्रिएट किया था उसी टाइप का हमने नेकलाइन एक बार क्रिएट कर लें, थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा ताकि इसमें हमें अगर नेकलाइन को थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा करना हो या तो उसमें थोड़ा सा कर्व लेके आना हो तो हम इजीली वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसको कंट्रोल टी दबाएंगे, इसको 90 डिग्री में घुमा के जैसे इसमें शेप है उसके अकॉर्डिंग शेप को डालेंगे, कंट्रोल दबा के या तो शिफ्ट दबा के आप करेंगे तो आपका जो शेप है वो पर्टिकुलर एक रेशियो में आपका मूव करेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सेव कर लिया, जिसमें ऐसे प्लेसमेंट करना उसको प्लेसमेंट कर लिया। प्लेसमेंट करने के बाद हमारा क्या काम रहेगा, आई थिंक आपको पता ही होगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमारा ये मोटिव स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमें क्या करना है, एडिट में जाएंगे, पॉपेट वॉप में जाएंगे एंड पर्टिकुलर मोटिव को जाके यहाँ पे जैसे हमें जो कॉर्नर चाहिए उस कॉर्नर के अकॉर्डिंग हम प्लेसमेंट करके उसको रोटेट करने का शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे रखा इसको यहाँ पे एंड इसको हमने यहाँ पे रखा इसको यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ये वाला जो एक्स्ट्रा मोटिव है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। एक्चुअल में ये पहले लेना पड़ता है, अदरवाइज इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। जैसे हमने फिर से एक बार ले लेता हूँ, एडिट में जाएंगे पॉपेट वॉप, तो देन हम एक दो एंड तीन बिकॉज ये मोटिव यहाँ पे होना चाहिए, चार पांच छ एंड सात, ठीक। अब हमें पर्टिकुलरली इसको मूव करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले डिजाइनिंग के लिए थोड़ा सा एक बॉर्डर का क्रिएट कर लेते लाइन, तो इस तरीके से हम बॉर्डर का लाइन क्रिएट कर लेते हैं एंड ये जो बॉर्डर हमने बनाया उसको एक बार हम बंद कर लेते हैं, मर्ज करके उसको बंद कर लेते हैं ताकि इसमें हम फोकस कर पाए। इसमें भी हमने पॉपेट वॉक को ऑलरेडी ऑन किया हुआ, जस्ट आपको डबल क्लिक करेंगे तो फिर से पॉपेट वॉक ऑन हो जाएगा यहाँ से। देन हम यहाँ से फिर से इसको अंदर लेके जा सकते हैं। ओके, जस्ट आपको जैसे इसमें सेफ है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आपको एडिट करना पड़ेगा एंड जैसे आपका सेफ अगर अच्छा जब बनने जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एक लुक अच्छा आ जाएगा डिजाइन में। एंड कुछ कुछ पोर्शन जो कि आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है उस टाइम आपको थोड़ा सा उसको पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्शन करना पड़ेगा, देन आपको उसको अपना डिजाइन के अकॉर्डिंग ड्रैग करके उसको शेप में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए उस टाइम आपको ऑलवेज जो भी आपने यहाँ पे मेन पे जो लेयर एक व्हाइट कलर का क्रिएट किया उसको एक बार ऑफ करके देख लेना है, कहीं पे थोड़ा सा एज छूटा हुआ तो नहीं लग रहा। इस टाइप का आपको हमेशा देख के रखना जरूरी है। जैसे इसमें जो एज है मोटा मोटी एकदम बहुत ही शार्प बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखिए इसमें जो क्लियरिटी है जैसे ओरिजिनल में था वैसे ही क्लियरिटी इसमें भी आ रहा है, ताकि इसका जो मेन रेशियो है वो मेंटेन रहे। इसमें देखिए बहुत ब्यूटीफुल पूरा गले का डिजाइन बन गया एंड जैसे हमने यहाँ पे बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम अगर और भी गले का डिजाइन इस तरीके से बना के इसके अकॉर्डिंग हम अगर प्लेस करेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लेस है उसके अकॉर्डिंग हम अगर छोटा सा और बड़ा करके इस तरीके से हम अगर प्लेसमेंट करेंगे तो इसका लुक बहुत ब्यूटीफुल आ सकता है। और हम सबसे जो बेस्ट कर सकते हैं जस्ट दोनों बॉर्डर को मिक्सअप करके देन हम इसको पूरा पॉपेट वर्क करें ताकि उसका लुक थोड़ा सा और बेटर आए। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अनइवननेस हो गया तो इस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली वो पोर्शन में जाके थोड़ा सा इसको इवन कर देना पड़ेगा, दैट्स इट। एंड इस तरीके से आप दो तीन बॉर्डर को अटैच करके भी बहुत ब्यूटीफुल आप पूरा एक डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, उसका जो नेक लाइन है वो आप बना सकते हैं। अब जैसे कि हमने एक रोटेट का जो वी शेप को या तो जो हार्ट शेप का होता है वो नेक लाइन तो हमने यहाँ पे क्रिएट करना सीख गया, जस्ट आपको पॉपेट वॉक का अच्छे से यूज करना है, इजीली वो चीज कर पाएंगे, आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा। अब अगर आप वही चीज हम अगर यू शेप में करना चाहे जैसे हम यू शेप में आपको बताया था वो यू शेप में अगर करना चाहे तो सेम थिंग है, लेकिन थोड़ा सा और हमें डेप्थ में जाके करना पड़ता है। जैसे लेट सपोज हमने अगर यू शेप में यहाँ पे यू शेप का हमने बना के रखा हुआ था यू शेप, यू शेप में हम अगर सेम चीज करने जाएंगे जैसे ये वाला हमारा ओरिजिनल है तो ओरिजिनल को हम अगर एक बार राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे एंड डिलीट फिल्टर मास्क या तो डिलीट क्लियर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे तो हमारा जो भी हमने यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर लिया था जो भी प्रॉब्लम था वो हमारा सब सॉर्ट आउट हो जाता है। इस तरीके से इजीली आप कोई नया बॉर्डर को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यू शेप का देना, यू शेप का देने के लिए हमें सेम तरीके हमें पहले इसका 90 डिग्री में एक बार एंगल घुमा लेते हैं जैसे हमारा एंगल है उसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड देन इस पर्टिकुलर पोर्शन को ड्रैग करके यहाँ पे डालना है, दैट्स इट। बहुत इजी है, जस्ट आपको इजीली इस टाइप का कोई भी आप बना सकते हैं। जस्ट आप एडिट में जाना है, पॉपेट वॉप में जाना है एंड इसको क्लिक करना है, क्लिक करना है एंड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। अब उसके बाद आपको क्या काम रहेगा, जो पर्टिकुलर पोर्शन आप ड्रैग करके रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे रख दीजिए, ये पोर्शन आप यहाँ पे रख दीजिए।
सो इस तरीके से आपको यू शेप क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा आप एडिटिंग जितना आप करेंगे उतना आप और डिटेल में जा पाएंगे। टेक्निक वही है, जस्ट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक सिंपल यू शेप का भी मोटिव आपका क्रिएट हो जाएगा। उसको आप अगर कंट्रोल जे करके शिफ्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करते तो आपका पूरा ये मोटिव भी हो जाएगा। तो आप आज समझ गए होंगे कैसे आपको सिंपली कोई भी मोटिव में आपको राउंडेड नेक क्रिएट करना हो, या तो हार्ट शेप का हो या तो यू शेप का हो, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। कई बार हम डिजाइन में तो इस टाइप का दोनों शेप मिला के एक बहुत ब्यूटीफुल पूरा गले का डिजाइन बनाते हैं। इसमें छोटा छोटा हम झुरिया डाल सकते हैं, छोटा छोटा पतला पतला मोटिव हम डाल सकते हैं इसमें, हम जो भी और एक्स्ट्रा मोटिव हम ऐड करके और एक ब्यूटीफुल डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, जस्ट आपको इसका पर्टिकुलर एक प्रोसेस को मैंने बताया कि इसमें आप कैसे एक बेंड करके पूरा बॉर्डर को आप लेके आ सकते हैं, सिंपली डिफरेंट एंगल में पूरा बॉर्डर को प्लेस करना, उसमें कोई पिक्सलेट नहीं होगा, उस बॉर्डर का क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा, यानी बहुत ब्यूटीफुल लुक आ सकता है। उसके साथ साथ आप अगर डिफरेंटली यहाँ पे थोड़ा सा आप नेगेटिव प्लेस कर दे, यहाँ पे अगर थोड़ा सा दूसरा कोई मोटिव प्लेस कर दे, यहाँ पे छोटा सा अगर बॉर्डर आप दे दे, तो उसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट रहेगा। दुपट्टे के डिजाइन में, सूट का डिजाइन में बहुत सारा अलग अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करके पूरा बनाना पड़ता है। इसमें आप अगर सिंपल एक बॉर्डर का डाल सकते हैं तो सिंपल एक सॉलिड कलर आप यूज कर सकते हैं, ताकि जब कटे उसका ये पोर्शन कट हो जाए, ये पोर्शन में पूरा आप सॉलिड कलर यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग होता है, बट सिंपल मैं आपको ये समझाने का कोशिश किया कि आप अगर इस टाइप का सिंपली अगर कोई भी नेक का डिजाइन बनाना चाहे तो आप इजीली एक राउंडेड नेक आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को फॉलो करके जस्ट आप एडिट में जाना है एंड पॉपेट पॉप का ऑप्शन को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। एंड और एक चीज बताना चाहूंगा जो कि शायद आपको प्रॉब्लम फेस करवा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं एक बार। लेट्स सपोज आपको कोई भी अगर पॉपेट पॉप का ऑप्शन क्लिक करे तो उस टाइम आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो मैश, शो मैश ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपका जो भी मैशिंग हो रहा है, जो भी आपका यहाँ पे अप डाउन हो रहा है, वो आपको ऑप्शन दिखाता है। तो आपको ऑलवेज शो मैश को ऑफ रखना है, बिकॉज नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, वो पोर्शन को आप ऑफ रखिएगा। एंड यहाँ पे आपको इसका डेंसिटी, फ्योर पॉइंट, मोर पॉइंट, इसका बहुत सारा ऑप्शन है, कम पॉइंट का ऑप्शन है, ज्यादा पॉइंट का ऑप्शन है, एंड इसका जो विथ हम चेंज कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपेंडेशन है वो आपका 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल आप और करवा सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन है, आप जरूर आपको चेक करके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का ऑप्शन है। जैसा हम यहाँ पे डिस्टोर्ट कर देंगे तो बहुत सारा वो चेंज हो जाता है, इसको हम नॉर्मल रखेंगे तो अलग साइज आएगा, इसको आप अगर रिक्स रखेंगे तो अलग साइज आएगा, एकदम प्रॉपर अलग अलग साइज का सिस्टम है। जस्ट इसको आप अगर प्ले करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो टेक्निक है वो यही है कि आपको जस्ट कोई भी बॉर्डर को लेना है, सेट करना है, देन आपको पॉपेट पॉप का यूज करना है, एंड आपको ऑलवेज रिच, जो कि मैं ही रख करता हूँ, इसमें रखना है, डेंसिटी आप नॉर्मल रखिएगा, एंड एक्सपेंशन 2 पिक्सल रखिएगा, एंड सो मैच को ऑफ रखिएगा, दैट्स इट, इसका यही सेटिंग है। एंड इजिली आप उसको अगर मूव करेंगे तो आपका पूरा नेकलाइन क्रिएट हो जाएगा, जैसे टाइप का आप नेकलाइन बनाना चाहते हैं, जिस टाइप का बॉर्डर आप देकर बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं। इजिली कोई भी एक नेकलाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, अपना कोई भी सलवार सूट का डिजाइन को एक ब्यूटीफुल लुक आप दे सकते हैं। ओके, तो आई होप दिस पूरा वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको सिंपली कोई भी एक नेकलाइन को क्रिएट करना है, कैसे आप उसको पॉपेट वॉक को यूज करना है, उसमें पॉपेट वॉक को यूज करने के टाइम ऑलवेज आपको पर्टिकुलर वो पोर्शन में क्लिक करना है, ताकि उसमें जो पोर्शन कर्व हो रहा है, जिस पोर्शन में एंगल है, एंड उस पोर्शन को क्लिक करते हैं तो आपको देखना है, जिससे आपको एक्सपेरिमेंट करना रहेगा, आप इजीली इस प्रोसेस को कर सकते हैं। आपको मैंने 2-3 टेक्निक आपको दिखा दिया, एंड नेकलाइन का बहुत सारा वेरिएशन होते हैं गाइस। आपको वी शेप का नेकलाइन होता है, यू शेप का नेकलाइन होते हैं, मैंने आपको दिखाया यू एंड आपको वी शेप, यू एंड हार्ट शेप को दोनों कंबाइन करके नेकलाइन बनाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा अलग अलग शेप आते हैं, बट ये जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, वो बहुत सारा डिजाइनर, जो बिगिनर दोस्त है, जो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है, शायद उनको नहीं आइडिया होगा, दैट्स व्हाई वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसलिए मैं पूरा वीडियो को बना के दिया, ताकि आप लोगों को इस टाइप का कोई भी नेकलाइन आप अगर क्रिएट करना चाहते तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके कर पाए, ठीक है। एंड जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ गाइस, अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ अगर सही लगा, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, एंड उसके साथ साथ आप जिस दोस्तों को लग रहा है कि इन दोस्तों को शायद इसको अपने नेकलाइन बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो उन दोस्तों को आप जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको फायदा हो, बिकॉज मेरा यूट्यूब चैनल का क्रिएट करने का एक उद्देश्य है, मैं आप लोगों को फायदा पहुंचा पाऊं, आप लोगों को हेल्प कर पाऊं, एंड वो इस मिशन में आप मेरा साथ अगर देंगे तो हम इजीली आगे बढ़ पाएंगे, दैट इज अ सिंपल थिंग, ठीक है। So, until next video, man, keep learning and be creative, guys. Thanks for watching.